पंजाब पुलिस हमेशा ही किसी ना किसी कारनामे कारण किरी नजर आउंदी है। पुलिस दे मौके दे हालातां नूं देखदे होए इह जापदा जिवें पंजाब पुलिस दे अधिकारियां च नाकामियां करन दा मुकाबला चल रहा हुंदा। हुण ताज़ा मामला जिला तरनतारन दे कस्बा झबाल दी पुलिस दा देखण नूं मिलिया, जिथे एक नौजवान नूं दिन दिहाड़े गोलियां नाल मार के उक्त आरोपी भज्जण विच कामयाब हो गए ते पुलिस हथ ते हथ धरी बैठी नजर आउंदी है। बेशक पुलिस ने पीड़ित नौजवान दे पिता दे बयानां दे आधार ते मामला दर्ज कर लिया, पर लंबा समा बीत जाने के बावजूद भी पुलिस घटना नूं अंजाम देण वाले उक्त आरोपियों नूं काबू करन विच पूरी तरह असफल रही। ते उधर पहला तां पीड़ित नौजवान ने गोलियां खादियां, हुण इंसाफ लैण लई ओह पुलिस थाणियां दे ठोकरां खाण लई मजबूर हो चुके हैं। दूजे पासे उक्त आरोपी हाकम धिर नाल संबंधित होण करके पुलिस की गिरफ्त तो कोहा दूर आजाद भजे फिरदे ने। इस संबंधी मीडिया नूं पीड़ित ने खुद सारी सच्चाई नाल जाणू करवाया। झबाल गलबात रात 2:30 बजे ना आके गोलियां मारियां वा, दो गड्डियां दो मोटरसाइकिल ते आके मुंडिया ने 14-15 मुंडिया ने आके हथियारां लैस हो गए। घर दे विच बारी थाणी गोलियां मारियां, एक मेरी बांह दे विच वज्जी आ ते एक वज्जी आ वखी दे विच, वखी तो भी आर पार होई आ, बांह दा खलारा होया पूरा। हाँ जी बंदे शोर हो गए आ ते आपां दित्ती दरखास्त SHO साहब तो, सब कुछ SSP साहब तो, ना बाई ने दर्ज कराए आपां। 20 दिन हो गए अज तक मगर तुरे फिरदे हैं, ना उन्होंने आप बयान लै आके, अं आप छुट्टी लै गए हॉस्पिटल चो आके, फिर आके बयान दिते आ। तो एक मेरे डैडी के आधार से जिदन मेरे गोलियां वजियां वो आधार से इन्होंने अनपछात्या परचा कटिया वा, कोई मतलब कि मेरे तो आ गए, इन्होंने वेरीफिकेशन नहीं की कोई भी, तो इस करके सू SSP साहब तो आना पाया वा। हूँ वेखो SSP साहब की करते, इंसाफ देंगे उन्होंने की करते हूँ, SHO साहब करे ज SSP साहब करे, पता की है इन्हों, अपनी तो कोई पुरानी एड्डी यारी है नहीं। रंजिश वो नशा पत्ता करते फुल, तो थोड़ा क साड़ा सूड़ा रख दे को पहलो, बाकी खोल के गल SSP साहब नूं दसांगे मीडिया सामने, अजे बंदे कैच करने हैगा वा, जिहदे करके कार्रवाई नहीं होंदी। 20 दिन हो गए गोलियां लगियां, एक हिसाब दा मार ही गए मैनूं। उधर जदों इस बाबत थाणा झबाल दे SSP अजय कुमार नाल गलबात कीती गई तां उन्होंने कहा कि असीं जल्द ही उक्त आरोपियों नूं काबू करन लई उन्हां दे घरां च छापेमारी शुरू करवा दिंदे आं ते जल्द ही उन्हां नूं सलाखां दे पिछे भेज देवांगे। ਇਹ 21/8/2019 ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਠੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਸਪਿਟਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਊ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਲਗਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੋਂ ਸਨੈਪ ਵਗੈਰਾ ਲਈਆਂ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਦੇ TV ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।